हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम आपको 4.4 एक्सरसाइज की सेकंड टू फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। पिछली वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन फर्स्ट की पार्ट आपको करवाए थे और इसके अंदर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से शायद कर भी लिया होगा। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सरसाइज में डिफरेंट मेथड यूज किया गया है। इससे पहले जो एक्सरसाइज दी हुई है 4.1, 4.2, 4.3, तो उसमें आपको इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई थी और उसको सॉल्यूशन करना था, लेकिन 4.4 एक्सरसाइज में स्टेटमेंट दे रखी है और आपने उसको इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और फिर उसको सॉल्व भी करना है, तो थोड़ा सा माइंड आपको एक्स्ट्रा लगाना है। ओके, बट वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे टीचर्स टेल द क्लास, टीचर्स ने क्लास में बताया, हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस से। इसका मतलब ये हो गया कि जिस सबसे ज्यादा जो अंक जिस स्टूडेंट ने लिए हैं और जिसने सबसे कम लिए हैं उसके दुगने से सात अधिक है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पर लिखेंगे Let the lowest number x, ओके, और यहां पर लिखेंगे twice the lowest number, means 2x, और यहां पर twice the lowest number plus 7, means 2s plus 7, और according to क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है कि इनका सम किसके इक्वल है, 87 के इक्वल है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहां पर 2x इक्वल क्या करेंगे, 87 और ये इधर ट्रांसफर हो गया माइनस 80 हो गया और 2x इक्वल टू क्या होगा 80 और यहां पर x इक्वल टू क्या होगा 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। x इक्वल टू कितना हो गया, ये किसका है लोएस्ट मार्क का, और हाईएस्ट मार्क कितना हो गया इसके अंदर देखिए, इसका डबल और ये यानी कि 40 और 2 80 और प्लस 780 से ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो उसने लोएस्ट मार्क्स पूछा, तो लोएस्ट मार्क्स कितना हो गया 40। क्लियर है सभी को, तो ये इसके अंदर दिया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट है ये ए पार्ट। इसके अंदर अब सी पार्ट क्या है, इसकी स्टिल स्क्योर द ट्वाइस एज मनी रन एज राहुल। तो यहां पर क्या होगा, राहुल स्क्योर इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है, और स्टिल स्कोर वो कह रहा है ट्वाइस 2x, ट्वाइस दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना हो गया इनका, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसमें क्या हो गया x प्लस 2x, ये हो गया दोनों का टोटल। और यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है x प्लस 2x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है स्क्रीन टू शॉट्स ऑफ द डबल सेंचुरी। तो यहां पर दिया हुआ है कि सेंचुरी का डबल ये 100, लेकिन उसके अंदर 2 कम है, 2 लेस है, कम है, या तो यहां पर ये 3x हो गया और यहां कितना हो गया 200। 2 सेंचुरी मींस 1 सेंचुरी मींस 100 रन्स, ये आप जानते भी हैं, और ये इसमें से माइनस कर दिए, ये 98 हो गया और ये 3x हो गया। अब इसके बाद x इक्वल टू कितना होगा 198 और डिवाइड 3,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हमारा कितना हो गया ना वॉल्यूम का, और स्टील स्टोर कितना हो गया 2 × 60 = 130 दिया। इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट कर, ठीक है। अब इसी प्रकार इस थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंसान सीज द 7 marbles मोर देन 5 times marbles द परमिट है। तो यहां पर लिखेंगे परमिट हैज मार्बल एक्स और इरफान इरफान हैज मार्बल इतना कह रहा है वो 5x से और 7x का, ठीक है। तो यहां पर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x = 7 और यहां 37। तो 5x एलिमिनेट रखेंगे 37 और इधर -7 5x = 30 और x = 30/5 6 तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ये तो क्या हो गया परमीट का हो गया, और मार्बल का कितना हो गया ये इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे ये इसका। ओके तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आप आगे देखिए इसी का पार्ट पीपल्स ऑफ सुंदर ग्राम planting as a total 102 tree of village garden, some of the trees are fruit trees, the number of non fruit trees 2 more than 3 times the number of fruit। तो यहाँ पर लिखेंगे suppose number of number of fruit tree planted equal to x, okay, or non fruit tree planted ये क्या कह रहा है वो 3x + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो गया 3x + 2 + x = 102, ये टोटल दिया हुआ। इसको आप ऐड करेंगे 3 और 1 4x + 2 = 102, 4x = कितना होगा 102 और जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया और 4x = कितना होगा 100, x = क्या हो गया 100/4 = 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। x आपने क्या माना है फ्रूट ट्री प्लांटेड x, तो यहां पर 25 इसका आंसर है। ओके अब हमारे पास इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, आई एम ए नंबर क्वेश्चन 4, ये एक पहेली है राइडर्स है, आपने पहेली भी देखी पहले वो आपको अच्छी तरह आती होगी। तो ये एक पहेली की तरह ही क्वेश्चन है, कह रहा है लेट द नंबर ऑफ नंबर बी, हमने एक नंबर मान लिया एक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है टेल मी आइडेंटिटी,
बाइनरी का मतलब है कि एक्स आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, टेक मीन सेवन टाइम्स ओवर, वो सेवन टाइम्स है एंड एड 50, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है सेवन टाइम्स, तो सेवन टाइम्स एक्स और प्लस 50 ये दिया हुआ है एंड द ट्रिप ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स वन सेंचुरी इक्वल टू 100 एंड ट्रिपल मीन्स थ्री सेंचुरी, थ्री मीन्स 3×100 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 7x इक्वल टू 50 और इक्वल टू 300, अब इधर आएगा 7x इक्वल टू 300 और माइनस 50, इसके अंदर ओवर है, विच स्टील नीड 40, विच स्टील नीड 40, ये थोड़ा सा इसमें और भी चेंज किया गया, वो कह रहा है लेकिन इसके अंदर 40 मास की कमी है, ये हो गया, तो 790 इक्वल टू 300 और 7x इक्वल टू 300 माइनस 90, ये देखिए इसके अंदर दिया हुआ है और ये हमारे पास 7x इक्वल टू 210 x इक्वल टू 210 डिवाइड 730, तो x की वैल्यू क्या आएगा आपकी 30। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपने, आइए मेन नंबर, एक नंबर आपने लेट मान लिया, ये मान लिया x नंबर, वो कह रहा है टेक 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ये हो गया एंड ऐड 50, एंड 50 ऐड कर दिया, लेकिन थ्री ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी है बट ट्रिपल सेंचुरी के लिए 40 जो है वो आपके कम की आवश्यकता है उसके लिए, तो हमें 40 से और ऐड करते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है। थैंक यू, नाइस डे एंड बाय बाय।